रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इट ऑकर्स फ्रॉम स्मूथ एंड शाइनी सरफेस पे, ये रेगुलर होता है। इट ऑकर्स फ्रॉम अनप्लेटेड, मतलब रेगुलर रफ सरफेस पे होता, कहाँ होता, टेढ़ी उबड़ खाबड़ सरफेस पे होता। रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल इन द रेगुलर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट पैरेलल इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, करके जाए क्वेश्चन, दो ही करना है। अगला क्वेश्चन आप करेंगे आइज की प्रॉब्लम। पहला होता एज बढ़ने के साथ क्या होता है, आई का जो लेंस होता है और सिलरी मसल्स होती है उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले मायोपिया, शॉर्ट साइटनेस। हम शॉर्ट साइटनेस से नियर की वस्तु को तो क्लियर देखते हैं बट फार डिस्टेंस को क्लियर नहीं देख पाते हैं। इसकी रेक्टिफिकेशन के लिए मुझे कॉनकेव लेंस का यूज़ करना पड़ता है जिससे ये दोष दूर हो जाता है। हाइपर माइट्रोपिया, लॉन्ग साइड है, दूर की वस्तु क्लियर देखते हैं। फार डिस्टेंस वी कैन सी इजीली बट नियर ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट सी इजीली। दिस करेक्शन विल बी कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्ट्रैक्ट मोतियाबिंद। आँखों के जो अपनी आँखों पर जो होता है बेटे, मेल्स वगैरह जम जाते हैं, कुछ मसल्स की लेयर जम जाती है, उसे रिमूव करके एक लेंस लगाते हैं जिसे आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन कहते हैं। ये भी यदि ऑपरेशन ना हो तो इसमें आई बॉल जो है आँखें अंधापन की समस्या आ सकती है, इसलिए इसका ऑपरेशन समय पे करा लेना चाहिए।